কাতে পেলি আওয়াজ রংস সঞ্জয় বেস বেলা কুচ আজকে মেজার পেলি সবে আজ পেলি নে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করেঙ্গে মিমিক কি করেঙ্গে আজ কে মাঝে ভি কন্টেস্ট নে গুনে ইন্ডিয়া কে চলিয়ে আজ কা নাম মুদ্দা হ্যায় কোভিড স্ট্যান্ড আপ তো কোভিড কে বাদ স্ট্যান্ড আপ করেঙ্গে কমেডি করেঙ্গে চলিয়ে ভাই স্টার্ট করতে হ্যায় সবে কোভিড কা মুদ্দা সবসে পেলে উঠায়েঙ্গে অমিত টন্ডন কে সাথ চলিয়ে ইনকি মিমিক ইস্যু করতে হ্যায় দেখো কোভিড মে হুয়া ক্যা मैं कॉमेडियन एज अ कॉमेडियन मैं ना बहुत ट्रैवल करता था। साल में 365 दिन मैं बहुत घूमता था। शुरू में जब 2020 में कोविड शुरू हुआ तो मुझे लगा जब कुछ टाइम मिलेगा मुझे मेरी फैमिली का टाइम स्पेंड करने को, मेरी फैमिली फैमिली को भी लगा कि हमें कुछ टाइम मिलेगा इसके साथ स्पेंड करने को। फिर हमने 3 हफ्ते इकट्ठे साथ रहे और हमें समझ में आ गया कि हमें हर चीज़ की लिमिट होती है। मतलब हमारे बच्चों ने हमें अवॉइड करने के चक्कर में मास्क पहन के फिरना शुरू कर दिया। मेरी बेटी क्लास 12 में फर्स्ट आई 2021 में, क्योंकि 2021 में हमें अवॉइड करने के चक्कर में वो सारा दिन पढ़ती रही वो। और चक्कर गया कि स्कूल वाले ने फीस कम नहीं करी और मैं कॉल किया, स्कूल वाले कह रहे हैं हम 100% एजुकेशन दे रहे हैं और हम 100% फीस लेंगे। मैंने प्रिंसिपल को बोला मैडम सुनो आपको क्लियरिटी नहीं है, मैंने 50% का पैसे चीज देखते हैं आप हमारे बच्चों को पढ़ा, बाकी 50% पैसे हम इसलिए देते हैं ताकि इन जानवरों को हमारे घर से 9 घंटे के लिए बाहर रखो। और कुछ चीज़ों में हमारी आँखें भी खुली कोविड में, जैसे मुझे पहले लगता था कि मेरी वाइफ कोविड में काम वाली को ज़्यादा ध्यान देती है, पर जब कोविड में काम वाली भाई ने आना बंद किया और मुझे सारा काम खुद करना पड़ा तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो बहुत ठीक करती थी। मैंने सारा काम किए, मैं सुनीता को मिस करना शुरू कर दी। मुझे डर लगता था जब सुनीता पहली बार वापस आएगी तब खुशी के मारे सुनीता को गले ही ना लगा लूँ। मैंने सब करा, पोछा करा, झाड़ू भी करा, वहाँ सब ठीक था, पर प्रॉब्लम क्या हुई, धीरे धीरे मेरी वाइफ को मेरा लगाए वो पोछा पसंद आने लग गया। एक दिन मेरे को कहती है कि तुम तो सुनीता से भी ज़्यादा अच्छा पोछा लगाने लगते हो। भाई को आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे थैंक यू। नहीं, कोविड बहुत फैला है। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि शेरों को कोविड हो गया, वहाँ तक तो ठीक था, पर मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि इन शेरों की नाक में डंडी किसने घुसेगी। सो फ्रेंड ये थे अमित टंडन, चलिए देखते हैं अगली कॉमेडियन कौन है और हम किसकी मिमिक्री करने वाले हैं। सो फ्रेंड अब आ रहे हैं चिरायु मिश्री। मेरा कॉलेज है 2015 में ख़त्म हो गया था और तब तक मेरे पापा बहुत बेवकूफ़ बनाया था हर बार। लगभग 10th में मेहनत की बाद में ऐश है, 12th में मेहनत कर ले बाद में ऐश। कॉलेज ख़त्म हुआ मैंने बोला इट इज़ टाइम टू ऐश, अभी इसी वक्त मैं नहीं कर रहा कुछ काम। और मैंने कॉन्स्टेंटली मूवीज देखना शुरू कर दी और मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि मूवीज एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें टाइम निकल जाता है और पता नहीं चलता, जब मैं बेरोजगार भी है ना घर बैठ, लेकिन कुछ भी ऐसा मैं अकेला इंसान ही हूँ और किसी का एहसान नहीं होता। मैंने बहुत टाइप की फिल्म देखी यार, बट बर्न फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसका नाम है भगवान। सी जब सब लोग पहली बार भगवान देखे थे तो सब रोए थे, मैं भी रोया था। दूसरी बार देखी तो लगा क्यों रोया यार, जरूरत नहीं है, वो ऐसी फिल्म है ना जो कोई भी देखता तो सब रोते ही रोते कि मैंने माँ बाप के साथ कुछ तो गलत किया ही होगा। उस फिल्म का इतना गहरा इम्पैक्ट है मेरे जीवन में कि जब भी वो फिल्म टीवी पे आती है मेरे पापा टीवी में मुझे देखते हैं और टीवी का से वॉल्यूम कम करके हमसे बोलते हैं कि बच्चे तुम माँ बाप को भूल ही जाते हैं चिराग। मुझे लगता है बागवान फिल्म में बचपन से का जो करेक्टर है राजवान मल्होत्रा वो बहुत ही दुखी आत्मा टाइप है आदमी है। आप देखो कौन इंसान 25 सालों से अपनी बीवी के इम्प्रेस करने के लिए ट्राई करता रहता है 25 साल से विद सेम ट्रिक, उसको चाय मैं जो ऑफिस से आकर ट्राई करूँगा उसको पता ही नहीं चलेगा। मैंने बोला अंकल वो आपके साथ ही रहती है और लाइक वो खाली फोटो दुखी घूमते रहते हैं। और मूवी का बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मूवी के अंदर मस्त बैंक मैनेजर नाम की पोस्ट, बड़ा बंगल बड़ा घर है एंड ड्रीम गर्ल जैसी वाइफ है। अलग होने के बाद परेश भाई के कैफे में मुफ्त 6 महीने तक मुफ्त अपने ठोस अपने को मिल रहा है। वैलेंटाइन के दिन सर आयु तक थक गया लेकिन ये है थी अरे वह चालू ही चालू 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 ही है इनका ते ही नहीं, इनको गाने बजाने का ही शौक है। लाइक इनकी बीवी को भी 25 साल हो गए कि ये भी थकने का नाम, इतनी बुढ़ी हो रखा है बैक पेन हो रहा होगा। अरे कितनी बेरा थोड़ी कभी भी खेले होली खेले कभी भी होली खेले होली खेले, इनका भी फेस्टिवल ही फेमस है दिवाली दशहरा डायलॉग होली खेले खेले इसी में ये तो नहीं होली खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो मारेंगे कहाँ से खेले। मुझे लगता है फिल्म में ऐसे इनके बच्चे इनको छोड़ के नहीं गए होंगे, छोटे छोटे बच्चे ही गाड़े में पानी डाल दिए भाई पापा होली खेलें भिगो दिए बेचारों की हर रोज सिकली आती है, बोलते हैं हर रोज बीमार करते हैं हर रोज कोई नाच सीखेगा कोई PCR करवाएगा। इनकी बहू जो हर घंटा 9 घंटा कॉपरेटर पर जॉब करके आई है तो खाना नहीं बनाया, वो मंगा लेंगे घर से मैं पढ़ करके आए गए बेचारे घर पे गए खाना नहीं है तो बेचारे घर पे आए तो खाना नहीं डायरेक्ट दुखी आवा।
एसटीडी में जाकर, मैं यहाँ तू वहाँ, डायरेक्ट चलो, मैं हूँ तो डायरेक्ट फूड ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन, ये एसटीडी में जाकर 10 रुपये मुझे ठोटाया मैंने वाला यार, सिर्फ माँ बाप गलती हो सकती है, बच्चे में खड़ी हो सकती है, तो मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा। लेकिन फिर एक सीन ऐसा है कि मनोहर साहब कुछ ऐसा चल रहे हैं, टकराते हैं, उनका चश्मा नीचे गदा टूट जाता है, बिकॉज ग्रेविटी बराबर, क्योंकि न्यूटन ढूंढ के लाया था, मैं ढूंढ के लाया, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला बेटा यहाँ पे चश्मा टूट गया है, चश्मा ठीक करा दे, तो उसने बेटे ने ऑनेस्टली बोली कि पापा पैसा नहीं, खाली है जेब, खाली है, मास्क है, सैनिटाइजर है, पैसे नहीं है, तो वापस वो एसटी में जाके, मैं यहाँ तू वहाँ, अरे पैसा नहीं, अरे पैसा ही नहीं है, मैंने कहा अरे 500 रुपये बचा है उसमें से, हर महीने 10-10 रुपये जाते जा रहा है, मैं यहाँ तू वहाँ। अभी मैं जैसे ही बात करता ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान लाइफ के कितने सारे लेसन सिखाते हैं, कितने अच्छी बातें सिखाता है। मैं बोला नहीं, ये घटिया चीज़ भी सिखाते हैं, जैसे वो चल गया है, चश्मा टूटा, टूटा चश्मा किसने ठीक करा है? पता है वो उनके पोते ने, तो उसने कहा स्कूल के जूते बेच दिए और उनका चश्मा ठीक करवा के लाया। मैंने बोला वाह यार, तो उसकी मम्मी उसको डांट रही थी कैसे क्यों किया, उसके मम्मी उसको डांट रही, तो वो भी डिफेंस में आ गए, बीच में आ गए, अरे नहीं उसको मत डांटो यार। मैंने बोला नहीं और डांटने दो, ये क्या गलत फाइनेंस स्कीम सीख के आ रहा है, ये भी जूते बेच कर चश्मा लाया, कभी कल ही आपके आपकी किडनी बेच के आपको लैपटॉप दे देगा, हैप्पी बर्थडे था आदमी, चीज़ ज़्यादा हिलने मत उठा के। फिर तो फ्रेंड ये थे हमारे बोलो, तो आगे चलिए देखते हैं अगला कौन है जिसकी मिमिक्री एंड स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, अपने कमेंट करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर हमारे विनय शर्मा यार, ये ऑनलाइन कैब्स आप सभी ने बुक की होंगी, ये किस्सा कुशल अपनाने का है, जब ये कंपनी नई नई आई थी इंडिया में, तो मैंने ना एक कैब बुक की और मैं अंदर जाके बैठा, और तब तो मुझे पता नहीं था कि ड्राइवर लोग ही पैसेंजर को रेटिंग्स देखते हैं, एक्चुअली मेरे कुछ नहीं हुआ, मुझसे पहले किसी की लड़की बैठी थी, तो वो ड्राइवर उसको रेटिंग दे रहा था, तो वो ड्राइवर मेरे को देख के बोलता सर देखो भाई मेरी लड़की को रेटिंग दी है, देगा 1 स्टार दी है, मैंने कहा लेट आई की कब कब्बे में, तो बोला नहीं लंबा रास्ता लिया उसने, तो बोला नहीं सर, मैंने फिर तो बोला सर वो लड़की 1.5 घंटा मेरे कैब में थी, उसने मेरे से एक भी बात नहीं की, मैंने कहा और भाई साहब क्या हाल है आपके, मैं क्यों पांगे लोग यार, मैंने मुझे इजी रेटिंग, मैं उसको क्यों कन्विंसिंग कर दिया, मैंने उसको कहा मैं बहुत बातें बातें करता हूँ, बातें ही तो करता हूँ, मेरे पास अपनी कार है लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए मैं एक कैब लेता हूँ, एंड द गाय है उसकी कार थी कैब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड जो स्मेल आ रही थी उसमें वो तो कमाल की थी एकदम, स्ट्रेट वो हार गए, तो मैंने तुरंत तारीफ करी, मैंने कहा भाई साहब आपका ये फ्रेगनेंस तो बड़ा कमाल ही है, तो कौन सा फ्रेगनेंस चाहिए, तो बोलता सर ये एक्चुअली मेरे बॉडी से आ रहा है, ये मोहब्बत है, मैंने कहा एक सेकंड बात सुनो मोहम्मद अली क्या, रोड पे जाओ वसीम भाई की दुकान पे, वो मोहब्बत भी बेचते हैं, वो इश्क भी बेचते हैं, मैंने कहा दलाल है वो, या नहीं नहीं, नहीं वो सर वो जो इतना रहता है ना छोटी छोटी बोतलों में, वो मोहब्बत इतना आप लगाओगे ना तो लड़कियाँ आपके पीछे पागल हो जाएंगी, सर पागल, मैंने कहा वो 1.5 घंटे से तेजा बात करके कहने देंगे कभी, ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आया तेजा बे, एंड आई डोंट नो, मैं तेजा जब भी मैं से कैब में ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि भाई मैं ड्राइवर को मैं रेटिंग दूंगा कितनी, क्योंकि मैं इतनी आसानी से 5 स्टार नहीं देता, काटता हूँ कुछ पॉइंट अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो, इस बंदे से मैं तो था इम्प्रेस, तो इन माई हैंड आई वॉज क्लियर कि मैं उसको 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ, बट एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट पीछे से कार और एक बहुत गंदा सा रोड ओवर की ट्रैक मार के हमको आगे निकल गई, और इसको आया बहुत जोर का गुस्सा, इसने अपनी कांचने की चीज का मुंडी बाहर निकाली और बोलता है चलना टकला मैं पीछे बैठा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसकी भाड़ में जा 5 स्टार रेटिंग, यार उसने मेरे भाई को गली दी यार, तो इस मूवमेंट के बाद ना थोड़ी देर कार में थी तो शांति, इतना कि वो इंडिकेटर की आवाज भी सुनाई दे रही थी, थोड़ी देर बाद ना उसके पास बाइक सीट पे पॉलिन धड़ी, उसने उठा के मुझे बोलता सर चॉकलेट्स खाएंगे, मैंने कहा जवाब ही नहीं दिया बिकॉज आई हर्ड बाई चॉकलेट खाएगा टकले, मुझे लग रहा था इतनी सारी बेइज्जती कर रहा है मेरी, इसको रियलाइज भी हो रहा है या नहीं, मैंने मेरी डेस्टिनेशन आया मैं घर पहुंचा, अगले दिन सुबह में उठा फर्स्ट थॉट इन माई हेड मोहम्मद अली जाना है, रोड जाना है, मोहब्बत इतना लड़के को पकड़ बनाना, जब मैं नीचे उतरा कैब बुक करने के लिए मैं फोन उठाया, बस में से कार गई थी, मैं आराम से ऐसे टिकट लेके खड़ा हो गया, मैंने कैब बुक की ड्राइवर को फोन लेके खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई साहब लोटस अपार्टमेंट वाले एरिया में आ जाइए, तो बोला मैं सर वही हूँ, तो मैंने बोला जैन मंदिर वाली गली में आ जाइए, तो बोला मैं भी यही हूँ सर, मैंने बोला वे पीपल का पेड़ है मैं उसके नीचे खड़ा हूँ, तो वो बस मैं भी वही हूँ, तो उसने बोला सर मैं भी यही हूँ, ध्यान देता हूँ मेरे गाड़ी के पीछे टकला एक लेके खड़ा है, मैंने कहा एकदम टकला नहीं हूँ थोड़े थोड़े बाल हैं उसके, कहता है सर आप किसी और को देख रहे होगे तो बिल्कुल गंजा चांद निकला हुआ है ध्यान से देखो ना आप उसको, तो नाउ आई हम लोग एटिंग, तो बोलता है सर मैं आपको 2 मिनट फोन करूँ टकला मुझे देख रहा है, मैंने कहा साले मैं ही वो हूँ वो, एक बार को तो मुझे लगा कि कैंसिल कर देता हूँ बुकिंग, बट देन आई रियलाइज समथिंग बिकॉज इफ आई कैंसिल इट आई डोंट वॉन्ट टू रेट इन, मैं जाके बैठ गई और पीछे बैठ के मैं पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये जो नेविगेशन मैप्स बनाने वाली कंपनीज हैं
इनको पता चल गया तो वो ऐप में नया फीचर आ जाएगा यार। वो रोज टाइप एक बिल्डिंग तो दिखाई रहा है मैप में, साइड लाइक इमेजिन प्रोसेस करके गंजेरे भी दिखाने लग जाओ। लोग नेविगेशन में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि हाँ भाई चौराहे से सीधे आप पहले गंजे से लेफ्ट ले, दूसरे से राइट ले, पूरी कॉम बर्बाद हो जाएगी हम लोग की यार। तो ये थे, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन। चलिए हम गेमिंग करते हैं, हम अपने कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बताएं आपका हमारी कॉमेडियन कैसे लगे हमारी कॉमेडी आपको। ये थे विनय। सो अब आ रहे हैं मनीष त्यागी। चलिए अब हम करते हैं मिमिक्री उनकी अपने अंदाज में, सेल्फ कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी विद आकाश। मेरी एक वीडियो जो मैंने मम्मी पे जोक बनाए थे उसको देख के हमारे फूफा जी नाराज़ हो गए। बोलते तुम यही काम रह गया अपनी मेरी बेइज्जती करते हो, तुम टीवी पे जाके क्या करते रहते हो तुम्हें बेसी रेटर हो गए पूरे दिन हमारे पास आ जाकर। मैंने कहा तुम्हारे पास किस लिए बातें करेंगे, मतलब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हारी बातें नहीं सुननी यहाँ पे। मतलब मेरे भाई लोग थे जिनको यहाँ पे मतलब मैरिज करनी है ना, हाँ वो बैठी है, ये बैठी है, मुझे जा रही है मामा मामा। सबसे पहले इवन आउट करने अगले बुआ जी और फूफा जी हमारे। फूफा जी ऐसे चलते कहते हैं जैसे कि अकबर जी आ रहे हैं और लास्ट में आते हैं, अरे कहाँ ना, अरे यहाँ के रह ना आ जा। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे लव मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज मैरिज है, तो वहाँ पे उनका गुस्सा फूट पड़ता है। अगर ये शादी हो गई तो मैं इस घर का हुक्का पानी भी नहीं पीऊँगा। मम्मी लोग को था हाय मेरी मेहनत, रिश्तेदारों के साथ जुड़ी हुई मेरी सब बेकार हो रही है। मैंने कहा जहर दो साले को। फिर शादी वादी तक फूफा जी तैयार हो गए। कितने लोगों ने देखा होगा वहाँ शादियों में बर्फ का शतरमुख बनता है, एंट्रेंस का उसमें शराब वलाद रखे जाते हैं, फ्रूट जो वो भाई ने कीवी नहीं खाए थे उठा उठा के नीचे से खा रहे होते हैं। अरे नीचे गए तो कह रहे अरे धुल जाएगा कोई नहीं यार, कुछ नई स्कीम इम्यूनिटी बढ़ेगी, कुछ हमें कोविड नहीं होना इसके बाद। और उनके किसी दोस्त ने उनके फार्म हाउस पे लंच पे बुलाया, अब फिर ये लंच फूफा जी मना तो नहीं कर सकता, कोविड हो गया सबको। कोई बात नहीं सबको हो रहा है, कई लोगों तो गए सिम्टोमेटिक है, हमारा भी होके निकल जाएगा। लेकिन अगर यही कोविड लड़की या उसके परिवार से हुआ होता जिसका परिवार तो चाहता है कि हम लोग हॉस्पिटल में ही लड़ने के लिए तड़प के रह जाए। जब मुझे बताया कोविड तो लोग एडवाइस तो बहुत देते हैं, कोविड के समय ये कर लो वो कर लो, सांस ले लो प्राणायाम कर लो, लंबी लंबी सांसें लो। मुझे फूफा जी ने बोला कबूतरों को दाना डाल दे। लेकिन कबूतरों को दाना डालने वाले लोग, मुझे तुमसे एक ही सवाल पूछना है, कबूतर को तुम दाना डालते हो तो ये तो कह दो कि बैठ के पोटी कर ले। भाई मैं आठवीं मंजिल पर लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, आ आ मैंने सोशल मीडिया पे लिख दी कि कबूतर ने, लोग बोले फूफा जी स्वाद आ गया, देखा कोविड ठीक हो गया ना। सो ये थे, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही स्टैंड अप कॉमेडी विद आकाश विद कार्तिक। चैनल सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। कार्तिक पहनिया बजा देना हूँ, सो सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा सेकंड चैनल है आकाश अवा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्रेडिट की वीडियो मिलती है, उस चैनल पर जरूर विजिट करें। एंड हमारा गानों का चैनल भी है फ्रेंड्स, के बुलेट सिंगर कार्तिक बुलेट सिंगर, आप उसका विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको चैनल में भी शो हो जाएंगे, तो हम बहुत चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कार्तिक बिल्कुल फेसबुक अलग अपडेट्स, और कमेंट करें आपको हमारी स्टैंड अप कॉमेडी कैसी लगी फ्रेंड्स कोविड।